Hello, good evening to one and all. This is Uday and you are watching your favorite channel, Devoted Classes. Dear brothers and sisters, once more you are most welcome into Devoted Classes. Today I am present with another video that is, you can very easily see here, narration part 7, that is imperative sentence. Okay. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं उदय एक अन्य वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। ये इंपरेटिव सेंटेंस नरेशन का पार्ट 7 के साथ, जिसमें आप देखेंगे हम कैसे चेंज करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को। आइए हम पहले बताएं, जानें कि ये इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है ना। हिंदी में इस सेंटेंस को कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। लेकिन खाली आज्ञा सूचक वाक्य से कहने से काम नहीं चलेगा। वैसे तो हमने सेंटेंस की वीडियो इसी चैनल पर अपलोड की है, उसे आप देखें। यहाँ पर आगे देखिए, ये जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ये सामान्य तौर से ऐसा सेंटेंस होता है जो आज्ञा को, निवेदन को, आपका सलाह को, निषेध को, इत्यादि को प्रकट करता है। मीनिंग द सेंटेंस विच शोज, कैसा शो करता है? अ पोलाइट रिक्वेस्ट, QUEST, एन ऑर्डर, अ पीस ऑफ एडवाइस एंड prohibition etc is called an imperative sentence. कहानी मतलब ऐसे शब्द बता दिया जो आज्ञा को, प्रार्थना को, सलाह को या निषेध को प्रकट करता है, सामान्य तौर से वही कहलाता है इंपरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देख सकते हैं, ओपन द डोर प्लीज, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी get up early, do not disturb me। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी पोस्ट सेंटेंस में यहां पर लिखा है। पहला सेंटेंस ओपन द डोर, आज्ञा है यहां, ऑर्डर समझेंगे, प्लीज हेल्प मी ये रिक्वेस्ट है, और get up early ये जिसे एडवाइस है, और ये डोंट डिस्टर्ब मी ये है आपका प्रोहिबिशन, PROHIBITION हो जाए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में सही है। यहां पर ओपन द डोर, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसके लक्षण है किसके, इंग्लिश सेंटेंस के कम से कम 4-5। पहला वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। देखिए, ओपन द डोर, हेल्प मी, गेट अप अर्ली, डू नॉट, यहां पर सारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है से शुरू होता है पहला लक्षण। दूसरा, ये इसका सब्जेक्ट हमेशा सेकेंड पर्सन होता है, जो कि यू होता है। अगर हम कहते हैं ओपन द डोर, मीन यू ओपन द डोर। अगर हम कहते हैं गेट अप अर्ली, मीन यू गेट अप अर्ली, यहाँ यू है जो कि छुपा हुआ है सेकेंड पर्सन का। तीसरा, इसमें नॉर्मल टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अगर हम कहते हैं ओपन द डोर, मीनिंग यू ओपन द डोर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगली बात है, इसमें प्लीज, काइंडली आदि का यूज जो है रिक्वेस्ट के लिए, शो करने के लिए किया जाता है। ठीक, इसकी खासियत है। बाकी लास्ट में क्या आता है? फुल स्टॉप। क्या आता है? फुल स्टॉप। ठीक, ये है आपका सेंटेंस के लक्षण, सेंटेंस की परिभाषा। आइए हम अब इस सेंटेंस को डायरेक्ट फॉर्म में कैसे चेंज करें ये देखेंगे हम। पहले नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, द
कर लिए होंगे? यस, वेरी गुड। और वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, हमारा आपसे अनुरोध है। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। ही सेड टू मी, चलो ये लेते हैं, ओपन द डोर। ये सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। पहले दो कुछ जनरल चीजें, बेसिक चीजें जो हमें ध्यान रखना पड़ता है इन इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करने के लिए। पहला क्या है, पहली बात, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड या सेड टू हुआ करती है, इसको हटा करके हमें डिफरेंट रिपोर्टिंग वर्ब्स का यूज करना होता है। आपने देखा होगा इसके पहले एसर्टिव सेंटेंस आपने यूज किया था टोल्ड का, और इंट्रोगेटिव हो गया था आस्क्ड। लेकिन यहां हमें डिफरेंट वर्ब्स का प्रयोग करना पड़ेगा सेंस के आधार पर। कभी हम यहां रिक्वेस्ट कर देंगे, कभी फॉरबिड कर देंगे, कभी एडवाइज हो जाएगा, कभी ऑर्डर्ड हो जाएगा, है ना। तो विभिन्न प्रकार की वर्ब का यूज किया जाता है, पहली खासियत ये हुई। दूसरी खासियत क्या है, ये जो सिंगल कॉमा और डबल कॉमा से ना करके दैट कंजंक्शन या किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग हम यहां पर नहीं करते। समझ आया होगा, मतलब सिंगल कॉमा और डबल कॉमा से ना के कोई भी कंजंक्शन का यूज इसमें नहीं किया जाता है। इसके अलावा अगली खासियत है, जो वर्ब यहां बचती है उसमें हम टू लगा के लिखते हैं, या सीधे शब्दों में कह लीजिए वर्ब बनाते हैं इनफिनिटिव, इनफिनिटिव, है ना, वो करते हैं। इसके बाद बेसिक रूल जितना पीछे का है, यानी टेंस चेंज, वर्ड चेंज, पर्सन चेंज, ये सारी चीजें एज इट इज है, यानी पीछे जो रूल था सब वही का वही जो कहते हो प्रयोग किया जाता है। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। चलिए देखें हम पहला सेंटेंस। तो चलिए देखें, सबसे पहले यहां में देखना पड़ेगा सेंटेंस क्या था। ओपन द डोर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, है ना। मैंने बताया था समर्थन फर्स्ट आपको शुरू में समझना कि ऑर्डर है। तो क्या करें, सबसे पहले हम इसको यहां हटाएंगे, सेट टू या लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर मी, और यहां इसमें कोई चेंज नहीं, यहां भी कोई मी में कोई चेंज नहीं, सिंगल कॉमा और इसका कॉमा हट गया, हटा दीजिए और भूल करके मैं कोई कंडीशन यूज मत कीजिएगा। अब क्या बचा, ओपन द डोर, वर्ब बची ओपन, इसको पहले टू लगाइए, ओपन टू ओपन कर दिया, है ना। ध्यान दीजिए यहां वो क्या था, कैपिटल से यहां वो ओपन का वो स्मॉल से है, टू ओपन द डोर, यहां कुछ चेंज नहीं है, द डोर लास्ट में स्टार्ट खत्म। क्या हो गया, ही ऑर्डर मी टू ओपन द डोर, ये था पहला सेंटेंस जहां पर हमें देखा। अगर यहां पर कोई सिंबल बताना चाहिए कि रिक्वेस्ट है क्या है, सिंपल अगर कोई फर्स्ट टाइम आए हो तो सामान्य तौर पर सेंटेंस ऑर्डर को शो करता है, इसलिए इसको हमने यहां पर चेक के स्थान पर ऑर्डर किया। आइए देखिए दूसरा सेंटेंस, शी सेड टू मी प्लीज हेल्प हेल्प मी प्लीज हेल्प मी, ये सेंटेंस है। चलिए इसको देखें, सबसे पहले यहां प्लीज देखते हैं, प्लीज आने का मतलब सामान्य तौर से क्या होता है, वो पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, इसलिए हम इसको कहेंगे बाय और इसको हटा करके सेड या सेड टू में लगाएंगे रिक्वेस्टेड। यहां मी में कोई चेंज नहीं और यहां शी में कोई चेंज नहीं, शी रिक्वेस्टेड मी, यहां हमने प्लीज को पहले डाल दिया है, चेंज कम हटाइए इसको हटाइए, ये दोनों हट गए और ये भी हट गया, प्लीज के लिए हमने रिक्वेस्टेड यहां कर दिया है, सिर्फ से कुछ वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, जो वर्ड बची हेल्प इसके बारे में लगाइए टू हेल्प। अब यहां पर मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, पर्सन का रूप पीछे रूप पर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर सॉरी अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन हो तो कैसे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी हर सी है तो यहां हर स्टार्ट क्या बना, सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। क्लियर, यस, नोट करें जल्दी से, नोट करें, चलिए नोट कर लिया होंगे, यस। आप देखते हैं तीसरा सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, आई सेड
टू हिम, I said to him. Sentence है, do not disturb me. क्या लगा यहां, ध्यान दीजिए यहां खास क्या होगा, do not disturb me है, ये do not से शुरू है. तो हमने बताया था अभी जो सेंटेंस शुरू होता है do not से, तो क्या लगता है, सबसे पहले हम यहां do not को पूरा हटा देते हैं, यहां जो वर्ब है सेट टू इसको हटाएंगे या लिखेंगे फॉरबिड, फॉरबिड हिम, यहां पर आई आई फॉरबिड हिम, समझ गए होंगे. अब यहां सिंगल कॉमा हटा, इनवर्टेड कॉमा हटा, दैट नहीं लगेगा कुछ नहीं, सीधा हमने पर हटा दिया है. यहां बचा डिस्टर्ब, इसको बनाइए इंफिनिटिव, तो जाएगा टू डिस्टर्ब मी का मतलब फर्स्ट पर्सन कहां जाएगा, जो कि आई है यानी दोनों पर्सन सेम हो गया, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन नो चेंज, यानी कि स्टॉप क्या बन गया, आई फॉरबिड हिम टू डिस्टर्ब मी, ये था तीसरा सेंटेंस. ध्यान दीजिएगा सेंटेंस हम सीख रहे हैं इंपरेटिव कैसे चेंज करें डायरेक्ट से इनडायरेक्टली. चलिए इसे नोट करते हैं, ही सेड टू मी गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली. अब यहां पर गेट अप अर्ली हम सामान्य कहां बोलते हैं, सलाह देने के लिए, तो सिंपली इसको हटाइए सेट टू में लिखिए ही टोल्ड, सॉरी ही एडवाइज्ड मी, एडवाइज मी तीन हटाइए इंफिनिटिव टू गेट अप अर्ली, ये बन गया लास्ट मिनट क्या हुआ और मी टू गेट अप अर्ली, क्लियर. ये था आपका चौथा सेंटेंस, ठीक. हाँ एक बात बताना भूल गए, इस सेंटेंस को तीसरे वाले सेंटेंस को एक दूसरे के से कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको हम एडवाइज से भी कर सकते हैं, किसको यानी हेड को डालकर के यहां लिखेंगे एडवाइज्ड. अब ये बन जाएगा क्या, इस तरह से बनेगा आई एडवाइज्ड, आई एडवाइज्ड हिम, एडवाइज्ड हिम. यहां पर पूरा पूरा नहीं हटेगा, केवल डू हटेगा, क्या हो जाएगा नॉट, यहां इंफिनिटिव टू डिस्टर्ब मी, इसको ऐसे भी कर सकते हैं. अगर एडवाइस लगाएंगे ऐसे लगाएंगे जहां जो टू हटेगा नॉट जो लगेगा, और वर्ब को बनाएंगे इंफिनिटिव, मतलब उस सेंटेंस को सुधरा से कर सकते हैं, ठीक. ये था आपका चौथा सेंटेंस, हमने इधर आपको बताया था कौन सा सेंटेंस, ही सेड टू मी गेट अप अर्ली का, ही एडवाइज मी टू गेट अप अर्ली. आइए कुछ सेंटेंस और लेते हैं, मिटा इसको. यस नोट डाउन, अगला सेंटेंस एक दो सेंटेंस और लेते हैं, पांचवा सेंटेंस क्या हो सकता है, माई ब्रदर, ब्रदर मीन्स एंगर ब्रदर, एंगर ब्रदर सेड टू मी प्लीज प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब देखिए यहां पर एक चीज बताना भूल गया था, यहां पर कौन किससे कह रहा है इसको देखना पड़ता है, कौन किससे कह रहा है इसको भी देखना पड़ता है, अर्थात बड़ा छोटे से कह रहा है या छोटा बड़े कह रहा है या दोनों बराबर हैं, ठीक. तो अगर ध्यान दीजिएगा बड़ा छोटे से है सामान्य सामान्य तौर से क्या करेगा, वो ऑर्डर करेगा, और छोटा बड़े से कहेगा तो क्या करेगा, छोटा बड़े से कहेगा तो वो रिक्वेस्ट करेगा, और जब दोनों बराबर वाले हों ना पता चले छोटा बड़ा से कह रहा है बड़े या बड़ा छोटे से कह रहा है ना पता चले
समान तौर से वहां पर एडवाइज्ड होता है, क्या होता है एडवाइज होता है, ऑर्डर भी हो सकता है, और बराबर हो बराबर करते कि मान लीजिए फ्रेंड्स हैं तो वहां पर क्या होता है एडवाइज, डॉक्टर क्या करता है वो भी एडवाइज करता है, टीचर भी कई बार एडवाइज करता है। ठीक, चलिए अब इसको करें। माय यंगर ब्रदर सेड टू मी, यानी छोटा भाई कह रहा बड़े से, क्या होगा एक क्वेश्चन, तो माय यंगर ब्रदर रिक्वेस्टेड मी, यहां स्थिति का मान आप दिखा दीजिए टू साल इंक्लूड कराइए, टू साल दिस हो जाएगा दैट प्रॉब्लम, टू साल दैट प्रॉब्लम, लास्ट पृष्ठा भी बन गया आपका। ठीक है, ये था आपका आज के सारे ब्रीफ सेंटेंस संबंधी जितने भी सेंटेंस थे लगभग हमने सब आपको समझा दिए हैं, इन प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब चलिए हम आपको देते हैं एक्सरसाइज यानी होमवर्क, हमारे सेंट जेवियर के बच्चे या कोई हमारे स्टूडेंट जो भी हो, चाहे कोचिंग का स्टूडेंट हो, चाहे हमारे कोई भी स्टूडेंट जो हमारी इंग्लिश मतलब सीखना चाहता है, इंग्लिश सीखने का जिसको जज्बा है सीखना चाहता है, वो ये एक्सरसाइज हम दे रहे हैं यानी क्लास वर्क या होमवर्क, उसको जरूर वो लिखेगा और सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पर वो भेज देगा। ठीक, विशेषकर श्रेणियों के बच्चे ये सारे लोग इसको जरूर लिखें, होमवर्क टाइम है इसको आपने नोट कर लिया होगा, गुड होमवर्क देते हैं आपका ये पहला होमवर्क, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच लिख सकते हैं, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच स्मार स्पीच, पहला यू सेड टू मी प्लीज प्लीज गिव मी यो पेन, प्लीज गिव मी यो पेन, पहला सेंटेंस हुआ, दो सेंटेंस आई सेड टू हर डू नॉट मेक अ नॉइज हियर, दूसरा सेंटेंस शी सेड टू हर फादर प्लीज गिव मी 1000 rupees, 1000 rupees, पांचवा सेंटेंस आई सेड टू हर डू नॉट वेस्ट योर टाइम, पांचवा सेंटेंस ही सेड प्लीज प्लीज राइट अ लेटर, ये हो गया इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन लिखे। चलिए एक बार से सेंटेंस बोलते हैं, जो कि हमारा जो मार्कर है और अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसको बोलना जरूरी है, बोल देते हैं आप लोग इसको लिख लें। पहला सेंटेंस है यू सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, दूसरा सेंटेंस है आई सेड टू हर डू नॉट मेक अ नॉइस हियर, प्लीज आई सेड टू हर डू नॉट मेक अ नॉइस हियर, दूसरा सेंटेंस ही सेड टू हर फादर प्लीज सिंग प्लीज गिव मी रुपीज 1000, यहां चौथा सेंटेंस आई सेड टू हर डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, और लास्ट सेंटेंस है
he said please write a letter, please write a letter. इस तरह से आपके होमवर्क मैंने यहां पर लिख दिया है. और यहां पर आज हम अपने मतलब वीडियो को विराम देते हैं. नाउ एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. सो दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड होप दैट यू आप कुड लाइक माय वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. नाउ ओनली वन थिंग आई वुड लाइक टू से, वर्क हार्डर एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर अंटिल आई मेक एंड अपलोड अनदर वीडियो. यू कीप ऑन स्माइलिंग, लाफिंग, एंजॉय लाइफ एंड डूइंग द बेस्ट एंड गेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ एंड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर. Now, it's time to say bye-bye, see you, take care.